नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बुद्धि के आयाम भी कहा जाता है, या फिर बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, जिसको दिया गया था J.P. Guilford के द्वारा। ओके, तो बुद्धि को मुख्य रूप से तीन विमाओं, तीन डायमेंशंस में इसमें बताया गया है J.P. Guilford के द्वारा, और बोला गया है कि बुद्धि का जो टाइप्स है उन्हें हम 3 विमाओं के रूप में हम उसे दर्शा सकते हैं। तो ये जो तीन विमाएं हैं वो मुख्य रूप से तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहली जो विमा है उसे बोला जाता है विषय वस्तु। ठीक है, तो पहली विमा या पहला जो आयाम होता है बुद्धि का, कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति समझता है, किस प्रकार से उसका संज्ञान करता है और अपने मेमोरी में फुलफिल करता है, तो उसके तीन बेसिस हैं। पहला जो बुद्धि का आयाम होता है वह है विषय वस्तु या कंटेंट। दूसरा जो आयाम है वह है संक्रिया या ऑपरेशंस, और तीसरा आयाम होता है उत्पाद। तो ये हम एक तरीके से डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ हमने 3 आयाम लिए हैं। ये हमने एक एक्स एक्सिस लिया है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस लिया है। तो यहाँ हमने पहला जो त्रिविमीय सिद्धांत देखा है बुद्धि का, वह है विषय वस्तु या कंटेंट के आधार पर। बहुत सिंप्लीफाई अगर मैं करती हूँ तो कंटेंट मीन्स, अगर हम किसी चीज़ को हमारी बुद्धि में लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू इनपुट। तो ये एक तरीके से इनपुट प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में जाती है, हमारी बुद्धि में जाती है, तो वहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होती है। तो जो सेकंड पोर्शन होता है उसे बोलते हैं संक्रिया या ऑपरेशन, और एक तरीके से ये प्रोसेस, प्रक्रिया का माध्यम होता है। तो फर्स्ट इट इज़ रिलेटेड टू इनपुट, किसी भी चीज़ को बुद्धि के अंदर लेना। दूसरा हो जाएगा प्रोसेस, और तीसरा हो जाएगा उत्पाद। अब लास्ट में हमें क्या मिलेगा? उत्पाद, जो कि होगा आउटपुट से संबंधित। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि त्रिविमीय सिद्धांत, तीन आयाम कौन से हैं बुद्धि का? विषय वस्तु, दूसरा हो जाएगा संक्रिया, और तीसरा होगा उत्पाद। इनपुट, इनपुट के थ्रू प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के माध्यम से एक रिजल्ट या आउटपुट निकल कर आएगा। अब इनके पुनः कुछ तत्व हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको याद रखना है। पहला जो विषय वस्तु है, किसी भी चीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं बुद्धि? तो या तो दृष्टि के माध्यम से, किसी चीज़ को देखकर, विजुअल मेथड के थ्रू। दूसरा हो जाएगा सुनकर, श्रव्य माध्यम के द्वारा। तीसरा हो जाएगा सांकेतिक, हम कई चीज़ों को देखते हैं, भाई कुछ संकेतों में सिंबल्स लिखे होते हैं, तो उन सिंबल्स का अध्ययन करके उनको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं और हमारी बुद्धि का विस्तार करते हैं। तीसरा हो जाएगा कुछ शाब्दिक अर्थों के माध्यम से, हम किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और पांचवा आता है व्यावहारिक, व्यावहारिक से आशय है, व्यवहार से माध्यम, व्यवहार से संबंधित, जिसमें जो कि फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो यहाँ हमने देखे 5 पार्ट कंटेंट से रिलेटेड। बुद्धि का प्रथम आयाम जो कि होता है हम इनपुट, हमारी बुद्धि में कोई चीज़ कैसे संग्रहित हो सकती है, मेमोराइज हो सकती है, तो इनपुट किसके थ्रू हो सकती है? या तो हम किसी चीज़ को देखते हैं तब वो चीज़ हमारे दिमाग में संग्रहित होगी। दूसरा, कोई चीज़ हम सुनते हैं उसके माध्यम से वो चीज़ हमारे दिमाग में संग्रहित हो सकती है। तीसरा हो जाएगा कुछ सांकेतिक माध्यमों के द्वारा, कुछ शाब्दिक अर्थों के माध्यम से, और आसपास के व्यवहार के द्वारा सा, क्योंकि व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमारा व्यवहार थोड़ा अलग होता है, अगर हम टीचर्स से बात कर रहे हैं तो व्यवहार अलग होगा। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक प्रकार का व्यवहार हो सकता है। तो ये सब होगा कंटेंट। अब इस कंटेंट के आधार पर बुद्धि में संक्रिया होती है। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया का मानसिक स्वरूप ही संक्रिया होता है। व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो मानसिक स्वरूप जो निकल कर आता है उसे संक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? एक तो मूल्यांकन के माध्यम से, इवैल्यूएट कर सकते, इवैल्यूएशन के माध्यम से कि वो चीज़ हमें चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, तो हम मूल्यांकन के माध्यम से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कोई एक ही चीज़ है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा वाइड सोच सकते हैं, अलग अलग उस चीज़ को करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं। अगर मैं कुछ कहती हूँ कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं दिमाग में जब बहुत सारे विचार आते हैं कि मैं ट्रेन के माध्यम से भी जा सकती हूँ, मैं बस के माध्यम से भी जा सकती हूँ, मैं
प्लेन से भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो जब एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके दिमाग में आते हैं तो ऐसी जो थिंकिंग होती है वो होती है अपसारी थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरी होती है अभिसारी, भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही को चुनता हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक ही पॉइंट पर केंद्रित रहता हूँ, वो जो कंडीशन होती है वो होती है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो होते हैं वो ऐसे थिंकिंग के लोग, थोड़े संकुचित थिंकिंग के लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रणाली पर चलने का कार्य करते हैं। फिर इन मूल्यांकन के माध्यम से या थिंकिंग के माध्यम से, अपसारी थिंकिंग और अभिसारी थिंकिंग के माध्यम से, वो चीज़ जो है हमारे मन में स्मृति के रूप में फिट हो जाती है, हमारी बुद्धि में, तो वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है और उसी वो संज्ञान के माध्यम से हमारी बुद्धि का एक वो आयाम की तरह कार्य करती है। तो ये जो हमने 5 पॉइंट देखे वो थे संक्रिया के अंतर्गत संज्ञान, संज्ञान का जो सिद्धांत है हमने लास्ट क्लास में देखा था, जीन पियाजे ने संज्ञान का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव थ्योरी दी गई थी कि व्यक्ति अपने आसपास के ज्ञान के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गिलफोर्ड ने भी दिया है। अब जब इनपुट डाला हमने, देखकर सुनकर संकेतों के माध्यम से कोई चीज़ को बुद्धि में लिया, फिर उसके हिसाब से बॉडी माइंड में प्रोसेसिंग हुई है, हमने उस चीज़ को इवैल्यूएट किया, उसको थिंकिंग किया, उसके बाद वो चीज़ हमारी मेमोरी में फिट हो गई, उसके बाद लास्ट होता है उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो है जब भी विषय वस्तु के द्वारा संक्रिया के फल स्वरूप जो परिणाम निकलता है उसे बोला जाता है उत्पाद। उत्पाद को पुनः 6 भागों में बांटा गया है। पहला है इकाई जिसे यूनिट बोला जाता है, दूसरा हो जाएगा वर्ग, तीसरा हम इसके थ्रू क्या क्या निकाल सकते हैं, हम कोई इकाई निकाल सकते हैं, हम वर्ग को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, हम संबंधों के बारे में जान सकते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में, कई प्रकार के सिस्टम्स का नॉलेज उत्पाद के रूप में होगा, स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, आशय, ये तो ये सारे जो मेथड्स होंगे वो सब, ये सारे जो टाइप्स होंगे वो सब उत्पाद के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 5 प्रकार विषय वस्तु के हैं, 4 प्रकार संक्रिया के हैं और 6 प्रकार आपको देखने हैं उत्पाद के। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत था उसके टोटल तत्व कितने थे, तो टोटल तत्व अगर हम देखें तो यहाँ पे हैं 5, यहाँ हैं 4 और उत्पाद में हैं 6। तो टोटल गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि के तत्व 120 थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, तो त्रिकारक सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत से अलग है, त्रिकारक सिद्धांत स्फीयरमैन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना।